स्टोन क्रशर ऑनर्स एसोसिएशन द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया है। इस समय हमारे साथ रंधावा जी जो है मौजूद है। सर, माइनिंग को लेकर काफी ज्यादा इंतजार था लोगों की, खुल जानी चाहिए, इस पर क्या कुछ कहें? देखिए, तभी भावनात्मक दृष्टिकोण से बहुतों के साथ जुड़ी हुई है ये। तभी सदियों से कईयों घरों की रोजी रोटी का साधन है, लेकिन बदकिस्मती के 17 नवंबर 2016 को तभी को ग्रहण लग गया। कुछ लोगों का अपना स्वार्थ होगा, अब स्वार्थ तो वही बता सकते हैं क्या होगा, और फिक्टिशियस डॉक्यूमेंट्स के बलबूते पे पीआईएल दायर हो गई, और अनफॉर्चुनेटली उस पीआईएल को जो है इम्पोर्टेंस मिल गई और ऑनरेबल हाईकोर्ट ने ब्लैंकेट बैन लगा दिया था। उस वक्त एक सरकार यहाँ पर थी, हमने सरकार के सामने भी तर्जी की कि जो बैन लगा है वो आपके खिलाफ लगा है कि इलीगल माइनिंग हो रही है तभी के अंदर, तो उसको बचाओ। लेकिन सरकार शायद उसको बचाने में उस वक्त कामयाब नहीं हो पाई। अलबत्ता जो बैन लगा था वो इलीगल माइनिंग पे लगा था, लेकिन जो पीआईएल थी उसमें कहीं पर भी नहीं था कि इलीगल माइनिंग स्टोन क्रशर वाले करते हैं, जब वहाँ जो रजिस्टर्ड इंडस्ट्री है वो करती है। अल्टीमेटली जो खमियाजा था वो हमें भुगतना पड़ा। जो भी उस वक्त के अफसरान थे उन लोगों ने शायद अपनी चोरियाँ छुपाने के लिए तो हमारे यहाँ पर फिक्टिशियस रेड, फिक्टिशियस सर्वे, फिक्टिशियस डाटा बना दिया कि इसके क्रशर में इतना प्रोडक्ट है, इसके क्रशर में इतना प्रोडक्ट है, जिसका कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, और बड़े बड़े जुर्माने लगाकर हमें भेज दिए। फिर अल्टीमेटली हमें कूदना पड़ा अपनी लड़ाई के लिए। जब हमें कूदे उस वक्त भी कोर्ट ने हमें रिलीफ दिया और कोर्ट की डायरेक्शन को हमने फॉलो किया, और फॉलो करते हुए हमने खुद को डीसील करवाया और आज हम प्रॉपरली तरीके से काम कर रहे हैं। काफी लंबा इंतजार जो है इसका रहा है कि इस चीज को खोल दिया जाता है। इसको लेकर अगर रेड लिस्ट की बात की जाए तो उस पर कितना ज्यादा इफेक्ट जो है और कितनी सहूलियत जो है जम्मू कश्मीर के लोगों को मिली? देखिए, रेड लिस्ट की जहां तक बात है, रेड लिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने फिक्स करनी होती है। हालांकि हमने एडमिनिस्ट्रेशन से हमेशा कहा है कि आपने जब रेट फिक्स करने होते हैं तो आप कंसर्न इंडस्ट्री को भी कॉन्फिडेंस में आपको लेना चाहिए कि हमारा कितना स्टेक पे है, हमें कितना खर्चा लगता है, क्या रेट होना चाहिए जिसमें इंडस्ट्री भी सेफ कर रहे और जनरल पब्लिक पे भी बोझ ना पड़े। लेकिन अनफॉर्चुनेट रहा कि विद इन ड्राइंग रूम जो है सब कुछ तय हो जाता है और नेक्स्ट डे पेपर्स में आ जाता है। उसके बावजूद भी इंडस्ट्री एडेयर करती है, हम मानते हैं इस बात को कि एडमिनिस्ट्रेशन ने अगर कुछ रेट लागू किए हैं हम उस रेट पे भी काम करेंगे, लेकिन इंडस्ट्री को बचाने का भी तो प्रयास होना चाहिए ना। इंडस्ट्री को बचाने का प्रयास बिल्कुल नहीं होता है। कोई भी खमियाजा होता है वो इंडस्ट्री भुगते, और अल्टीमेटली गवर्नमेंट के बताए रेट्स पे हम लोग काम करते हैं। जिस तरह से आज आपने एक पत्रकार वार्ता जो है आप कर रहे हैं, किन किन मुद्दों को लेकर जो है अब आप आगे आवाज रखना चाहते हैं? देखिए, हमारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ही मुद्दा था, हमने ऑनरेबल हाईकोर्ट का आभार व्यक्त करना था। ऑनरेबल LG मनोज सिन्हा साहब, उनकी टीम, जिन्होंने बेहतरीन तरीके से जो पक्ष सरकार का है वो कोर्ट में रखा। हमारे एडवोकेट पराग शर्मा साहब, जिन्होंने 6 साल बहुत मेहनत की हमारे साथ, पेपर वर्क में, डाटा इकट्ठा करने में, किस स्टेट में कौन सा कानून लगता है, किस स्टेट में माइनिंग एक्ट क्या कहता है, सबको स्टडी किया, तभी को माइन्यूटली स्टडी किया, और हम उनकी वर्किंग को सल्यूट करते हैं कि उन्होंने सबको कॉन्फिडेंस में लेकर बड़े अच्छे तरीके से हमारे पक्ष को वहाँ रखा। हालांकि गवर्नमेंट का वकील कोई और थे, लेकिन इंडस्ट्री का पक्ष जो है वो पराग शर्मा साहब ने रखा, और यकीनी तौर पर जब जस्टिस साहब ने महसूस किया कि ये गलत हो रहा है और गवर्नमेंट को भी लगा कि हमारा प्रोडक्ट चोरी हो रहा है, गवर्नमेंट के अगर कुछ नहीं आ रहा तो चोर कौन है, तो अल्टीमेटली ये 5 अगस्त को जो ब्लैंकेट बैन हटा है आज उसका हमने शुक्रिया अदा किया है। आने वाले दिनों में हमारी इंडस्ट्री को सेफ गार्ड करने का और क्या तरीके हैं, हम उसको लेकर भी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और मीडिया के साथ भी रूबरू होंगे। स्टोन क्रशर्स ओनर एसोसिएशन द्वारा जिस तरह से पत्रकार वार्ता की गई और काफ़ी लंबा जो है इनका इंतजार था कि माइनिंग को लेकर जो है बातचीत की जाए, उसको लेकर जो है अब जो फैसला आया है इससे ये काफ़ी ज़्यादा खुश है और शुक्रिया अदा जो है सरकार का करें। अगले बड़े लेकर फिर मैं हाजिर हूँगी, तब तक आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जब